Hello students, in today's video I am going to start chapter number 7, the cell. In this chapter we will learn cell means definition of cell, structure of a cell, cell ki structure, structure of an animal cell ki structure kaisi hoti hai uske bare mein padhenge, structure of a plant cell ki structure and finally difference between plant cell and an animal cell. Okay, so let's start. All living organisms from the weakest to the mightiest are made up of tiny living compartments called cell. जितने भी living organism होते हैं चाहे वो कमज़ोर हो या फिर ताकतवर हो, all are made up of tiny living compartments. And these tiny living compartments are called cell. Okay, तो cell क्या हुआ? Cell is tiny living compartment of living organism. Okay, some cells are big enough to be seen by naked eyes. कुछ cells को हम naked eyes से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनकी size बड़ी होती है. लेकिन कुछ cells बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी इट बाय नेकेड आईज. फॉर दिस वी नीड माइक्रोस्कोप. ओके, नाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है. क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल यूनिट? बच्चे, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट. सिमिलरली ईच एंड एवरी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम फंक्शन. सेल क्या करती है? हर एक सेल कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर? नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं या उनकी जो पार्ट्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट को ही तो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है ना. चूँकि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं. तो सिंगल सेल से बने होते हैं तो इनमें लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. ओके, एंड दिस लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि सेल में अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, बच्चे इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे सिस्टम के मैंने कुछ पार्ट्स बताए, सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं, उसी तरह सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेल के भी कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ होता है उनकी बॉडी में. तो इसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड ये सबसे मोस्ट लेवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल है ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सेल की डिस्कवरी किसने की. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी. अपनी डिस्कवरी के लिए उन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस को चूज़ किया था. जब कॉर्क की थिन स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर रखा तो उन्होंने उसमें कुछ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे. ओके, ये जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे वो बिल्कुल हनीकम इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे कंपार्टमेंट उनको इस टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, है ना. तो ये कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था एंड ये जो छोटे 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 कंपार्टमेंट्स हैं इनको इन्होंने सेल का नाम दे दिया. क्लियर? ही फाउंड दैट कॉर्क वॉज मेडअप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको शो किया, एंड इट फॉर्म हनी कॉम स्ट्रक्चर, बिल्कुल हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर था. उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? बच्चे, अगर मैं
इस सेल को जूम कर तो आप देखोगे कि ये जो सेल होती है ना, इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। एंड ये जो आउटर कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा गया? सेल मेम्ब्रेन कहा गया। ये सेल की आउटर कवरिंग है। ओके, नाउ इस सेल के अंदर आपको सेंटर पे एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगी। दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एंड न्यूक्लियस के अराउंड आप देखोगे लिक्विड लाइक सब्सटेंस होती है, जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, आई रिपीट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर कवरिंग है। एंड इस सेल के अंदर राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है सेंटर पे, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड न्यूक्लियस इस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में हमारी ब्रेन हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, वैसे ही इस सेल के अंदर की न्यूक्लियस इस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। ओके, अभी मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।